अध्याय चार, अनिश्चितता का सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांतों, विशेष रूप से न्यूटन के सिद्धांत की सफलता ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक मार्किस द लाप्लास को यह तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया था कि ब्रह्मांड पूर्णतः निर्धार्य है। लाप्लास ने यह तर्क विचारार्थ प्रस्तुत किया कि वैज्ञानिक नियमों का एक ऐसा समुच्चय होना चाहिए जो उस अवस्था में, जबकि हम एक निश्चित समय पर ब्रह्मांड की पूर्ण स्थिति को जानते हों, हमें ब्रह्मांड में घटित होने वाली किसी भी घटना का पूर्वानुमान लगाने में समर्थ कर दें। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी नियत समय पर सूर्य तथा ग्रहों की स्थिति तथा वेग जानते हैं, तो हम किसी अन्य समय पर सौर मंडल की स्थिति का परिगणन करने के लिए न्यूटन के नियमों का उपयोग कर सकते हैं। इस मामले में निर्धारिता बिल्कुल साफ जाहिर होती है, परंतु लाप्लास इससे आगे बढ़कर ये परिकल्पना भी करने लगे कि मानव व्यवहार सहित प्रत्येक वस्तु को नियंत्रित करने के लिए ऐसे ही नियम उपलब्ध हैं। वैज्ञानिक निर्धारिता के सिद्धांत का ऐसे कई लोगों द्वारा कड़ा विरोध किया गया जो ये अनुभव करते थे कि ये सिद्धांत संसार की नियति में ईश्वर के हस्तक्षेप करने की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। परंतु इस शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक यही विज्ञान की एक गानक अवधारणा रही। इस मान्यता को त्यागने की आवश्यकता के पहले संकेत उस समय मिले जब ब्रिटिश वैज्ञानिक लॉर्ड रेले तथा सर जेम्स जीन्स की गणनाओं ने ये सुझाव दिया कि किसी भी तप्त वस्तु अथवा पिंड, जैसे कि एक तारे को हर दशा में असीमित दर से ऊर्जा विकिरित करनी चाहिए। उन नियमों के अनुसार जिनमें हम उस समय विश्वास करते थे, एक तप्त पिंड को समान रूप से सभी आवृत्तियों पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक तप्त पिंड को 100 और 200 खरब तरंग प्रति सेकंड के बीच की आवृत्तियों पर ऊर्जा का वही परिमाण तरंगों के रूप में विकिरित करना चाहिए जितना कि 200 और 300 खरब तरंग गति प्रति सेकंड के बीच की आवृत्तियों पर उसके द्वारा होता है। अब चूंकि प्रति सेकंड तरंगों की संख्या असीमित है, इसलिए इसका अर्थ ये हुआ कि समस्त विकृत ऊर्जा असीमित होगी। स्पष्ट रूप से हास्यास्पद इस निष्कर्ष से बचने के लिए सन 1900 में एक जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लांग ने ये सुझाव रखा कि प्रकाश एक्स किरणें तथा दूसरी तरंगे मनमाने दर से उत्सर्जित नहीं हो सकती, बल्कि वे केवल निश्चित पैकेटों में ही उत्सर्जित हो सकती हैं, जिन्हें उन्होंने क्वांटा नाम दिया। इसके विपरीत, हर क्वांटम में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है जो तरंगों की आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ परिमाण में बढ़ती जाती है। अतः एक पर्याप्त रूप से उच्च आवृत्ति पर एक अकेले क्वांटम के उत्सर्जन के लिए उपलब्ध ऊर्जा से अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से उच्च आवृत्तियों पर विकिरण का उत्सर्जन घट जाएगा और इसलिए उस पिंड के ऊर्जा क्षय का दर सीमित हो जाएगा। क्वांटम परिकल्पना ने तप्त पिंडों से होने वाले विकिरण के उत्सर्जन की प्रेक्षित गति की व्याख्या तो बहुत अच्छी तरह से की, परंतु निर्धारिता के लिए इसके अर्थों को सन 1926 तक नहीं समझा गया, जब तक दूसरे जर्मन वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने अपने प्रसिद्ध अनिश्चितता के सिद्धांत का निरूपण किया। किसी कण के वेग और उसकी भावी स्थिति का पूर्वानुमान लगाने के लिए हमें इसकी वर्तमान स्थिति और वेग का बिल्कुल शुद्ध अनुमापन करने में समर्थ होना होगा। अनुमापन करने का एक स्पष्ट तरीका कण पर प्रकाश फेंकना है। प्रकाश की कुछ तरंगे कण के द्वारा प्रकर्णित कर दी जाएंगी और इससे उसकी स्थिति का संकेत मिल जाएगा, परंतु हम प्रकाश के तरंग शीर्षों के मध्य की दूरी की अपेक्षा कण की स्थिति का अधिक परिशुद्धता से निर्धारण करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। अतः हमें कण की स्थिति की सूक्ष्मता से अनुमापन करने के लिए लघु तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उपयोग में लाने की जरूरत पड़ेगी। अप्लांग की क्वांटम परिकल्पना के अनुसार हम मनमाने ढंग से प्रकाश के न्यून परिमाण का उपयोग नहीं कर सकते, हमें कम से कम एक क्वांटम का उपयोग करना ही पड़ेगा। ये क्वांटम कण में
विक्षोभ उत्पन्न कर देगा तथा इसके वेग को इस प्रकार से परिवर्तित कर देगा जिसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त जितनी अधिक परिशुद्धता से कोई कण की स्थिति का अनुमापन करता है उतनी ही लघु तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है और इसलिए उस अकेले क्वांटम में उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए कण के वेग में अपेक्षाकृत अधिक परिमाण में विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा। दूसरे शब्दों में किसी कण की स्थिति को आप जितनी अधिक परिशुद्धता से मापने का प्रयास करते हैं उसके वेग को आप उतनी ही कम परिशुद्धता से माप सकते हैं और इसके विपरीत किसी कण के वेग को आप जितनी अधिक परिशुद्धता से मापने का प्रयास करते हैं उसकी स्थिति को आप उतनी ही कम परिशुद्धता से माप सकते हैं। हाइजेनबर्ग ने बताया कि कण की स्थिति में अनिश्चितता, उसके वेग की अनिश्चितता तथा उसके द्रव्यमान, इन तीनों का गुणनफल एक निश्चित मात्रा से कम नहीं हो सकता, जिसे प्लांक स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ये सीमा किसी कण का वेग व उसकी स्थिति को मापने के तरीके पर या कण की विशिष्टता पर निर्भर नहीं करती। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत विश्व की एक आधारभूत व अपरिहार्य संपत्ति है। ब्रह्मांड का प्रेक्षण करने के हमारे तरीके के लिए अनिश्चितता के सिद्धांत का बड़ा गूढ़ अर्थ था। 70 से अधिक वर्षों के बाद भी कई दार्शनिकों द्वारा उसके महत्व को पूरी तरह नहीं समझा गया और वह अब भी काफी विवादास्पद है। अनिश्चितता के सिद्धांत ने लाप्लास द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मांड के मॉडल संबंधी उस वैज्ञानिक सिद्धांत के टूटने के संकेत दे दिए थे जिसमें ब्रह्मांड पूर्णतः पूर्व निर्धारित होता यदि कोई ब्रह्मांड की वर्तमान स्थिति का परिशुद्धता से मापन भी नहीं कर सकता तो वह निश्चित रूप से भावी घटनाओं का भी ठीक ठाक पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। लेकिन हम फिर भी ये कल्पना कर सकते हैं कि नियमों का ऐसा समुच्चय है जो पूर्णतः किसी उस अलौकिक शक्ति के लिए घटनाओं को निर्धारित करता है जो इस ब्रह्मांड को बिना अशांत किए इसकी वर्तमान स्थिति का प्रेक्षण कर सकती है। बहरहाल ब्रह्मांड के ऐसे मॉडल हम साधारण नश्वर लोगों के लिए किसी रुचि के नहीं हैं। बेहतर तो ये लगता है कि ऑकम के रेजर के नाम से विख्यात मितव्यतिता का सिद्धांत लागू करें तथा इस सिद्धांत के उन समस्त विशिष्ट लक्षणों को नकार दें जिनका प्रेक्षण नहीं किया जा सकता। इसका समाधान खोजने की दिशा में सन 1920 के दशक में हाइजेनबर्ग, इरविन, शिरोडिंगर तथा पॉल डिराक इस नए सिद्धांत में यांत्रिकी को पुनः निरूपित करने के लिए प्रेरित किया गया। इस सिद्धांत को क्वांटम यांत्रिकी कहा गया जो कि अनिश्चितता के सिद्धांत पर ही आधारित थी। इस सिद्धांत में कणों की ऐसी कोई अलग सुनिश्चित स्थितियां तथा वेग नहीं होते जिन्हें प्रेक्षित न किया जा सके बल्कि उनकी एक क्वांटम दशा होती थी जो स्थिति तथा वेग दोनों का संयोजन थी। सामान्यतः क्वांटम यांत्रिकी किसी भी प्रेक्षण के लिए किसी एक निश्चित निष्कर्ष की संभावना का पूर्वानुमान नहीं लगाती हैं बल्कि ये कई सारे विभिन्न संभावित निष्कर्षों की भविष्यवाणी करती हैं और ये भी बताती हैं कि इनमें से हर एक कितना परिणामोन्मुख है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई उन बहुत सारे एक जैसे निकायों का जो एक ही तरीके से प्रारंभ हुए एक सा अनुमापन करे तो वह ये पाएगा कि कुछ विशेष मामलों में अनुमापन का परिणाम ए होगा तो दूसरे विभिन्न मामलों में ये परिणाम बी होगा और इसी प्रकार से अनिश्चितता बनी रहेगी। कोई बस केवल कुछ करीब करीब शुद्ध काला विधियों की भविष्यवाणी कर सकता है कि उनमें निष्कर्ष ए होगा या बी परंतु कोई भी किसी व्यक्तिगत अनुमापन के विशिष्ट परिणाम का पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। इसलिए क्वांटम यांत्रिकी विज्ञान में अनियमितता, यादृच्छिकता या पूर्वाकलन की असंभाव्यता के अपरिहार्य तत्व को समाविष्ट करती हैं। आइंस्टाइन ने इन विचारों के विकास में निभाई गई अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद इसका कड़ा विरोध किया। क्वांटम सिद्धांत में अपने योगदान के लिए आइंस्टाइन को नोबल पुरस्कार दिया गया। फिर भी आइंस्टाइन ने ये स्वीकार
कभी नहीं किया कि ब्रह्मांड संयोग से नियंत्रित होता है। उन्होंने अपनी भावनाओं को संक्षिप्त रूप से अपने इस प्रसिद्ध कथन में व्यक्त किया था। ईश्वर पासा नहीं फेंकता है, परंतु फिर भी दूसरे अधिकांश वैज्ञानिक क्वांटम यांत्रिकी को स्वीकार करने के इच्छुक थे, क्योंकि ये प्रयोगों के पूर्णतः अनुकूल थी। निसंदेह ये उत्कृष्ट रूप से सफल सिद्धांत रहा है और लगभग समस्त आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मूल में निहित है। ये ट्रांजिस्टरों और एकीकृत परिपथों के व्यवहार को नियंत्रित करती है, जो कंप्यूटरों और टेलीविजनों जैसे इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के अत्यावश्यक घटक होते हैं तथा आधुनिक रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान का भी आधार हैं। केवल गुरुत्व और व्यापक स्तर पर ब्रह्मांड की संरचना ही भौतिक विज्ञान के ऐसे क्षेत्र बचे हैं जिनमें क्वांटम यांत्रिकी का अभी तक उचित रूप से समावेश नहीं किया गया है। प्रकाश यद्यपि तरंगों से बना होता है, प्लांक की क्वांटम परिकल्पना हमें ये बताती है कि कुछ परिस्थितियों में ये ऐसे व्यवहार करता है मानो ये कणों से निर्मित हो। ये केवल क्वांटा या पैकेट के रूप में ही उत्सर्जित या अवशोषित किया जा सकता है। इसी तरह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का अभिप्राय ये है कि कण कुछ मायनों में तरंग सदृश ही व्यवहार करते हैं। उनकी कोई सुनिश्चित स्थिति नहीं होती, बल्कि एक प्रायिकता आवंटन के रूप में ही आकाश में उनकी स्थिति कुछ फैली हुई सी होती है। क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत एक पूर्ण रूप से नए प्रकार के गणित पर आधारित है, जो वास्तविक संसार का वर्णन कणों या तरंगों के रूप में बिल्कुल भी नहीं करता। केवल संसार के प्रेक्षणों को ही इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार के क्वांटम यांत्रिकी में तरंग एवं कणिका के मध्य द्वैतता होती है, अर्थात क्वांटम तरंग एवं कण दोनों रूप में हो सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम ये है कि किन्हीं दो कणों या तरंगों के बीच व्यक्तिकरण का प्रेक्षण किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक तरंग के शीर्ष का दूसरे तरंग के गर्त के साथ संपात हो सकता है। ऐसी दशा में दोनों तरंगे आपस में मिलकर एक दूसरे को प्रबलित करने की बजाय एक दूसरे को निरस्त कर देती हैं। प्रकाश के मामले में व्यक्तिकरण का एक परिचित उदाहरण वे रंग हैं जो प्रायः साबुन के बुलबुलों में दिखाई देते हैं। ये रंग बुलबुले बनाने वाली पानी की पतली झिल्ली के दोनों तरफ से प्रकाश के परावर्तन द्वारा बनते हैं। श्वेत प्रकाश सभी विभिन्न तरंग दैर्घ्यों वाली प्रकाश तरंगों का या रंगों का बना होता है। कुछ निश्चित तरंग दैर्घ्यों के लिए साबुन की पतली झिल्ली के एक तरफ से परावर्तित तरंग शीर्षों का दूसरी तरफ से परावर्तित द्रोणिकाओं के साथ संपात होता है। इन तरंग दैर्घ्यों के अनुरूप रंग परावर्तित प्रकाश से लुप्त हो जाते हैं, सो इसलिए रंग बिरंगा दिखाई देता है। क्वांटम यांत्रिकी द्वारा समाविष्ट द्वैतता के कारण कणों में भी व्यक्तिकरण हो सकता है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण दो झिरियों वाला प्रयोग है। दो संकीर्ण समांतर झिरियों वाले एक विभाजन पर विचार कीजिए। विभाजन के एक तरफ एक विशिष्ट रंग का प्रकाश स्रोत रखा है। प्रकाश का अधिकांश भाग विभाजन से टकराएगा, परंतु एक छोटी सी मात्रा झिरियों से होकर चली जाएगी। अब मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत से विभाजन के दूर पीछे की तरफ एक पर्दा रख देता है। पर्दे पर कोई बिंदु दोनों झिरियों से तरंगे प्राप्त करेगा। बहरहाल सामान्यतः प्रकाश स्रोत से दोनों झिरियों में होते हुए पीछे पर्दे तक प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी भिन्न भिन्न होगी। इसका अर्थ ये होगा कि झिरियों से आने वाले तरंगे उस समय जब वे पर्दे पर आती हैं एक ही कला में नहीं होंगी। कुछ स्थानों में तरंगे एक दूसरे को निरस्त कर देंगी, दूसरे स्थानों में वे एक दूसरे को प्रबलित करेंगी। इसका परिणाम दीप्त एवं अदीप्त धारियों के एक विशिष्ट पैटर्न के रूप में देखने को मिलता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि कोई प्रकाश स्रोत के स्थान पर कणों के स्रोत जैसे एक निश्चित वेग वाले इलेक्ट्रॉन को रख दे तो परिणाम में ठीक उसी प्रकार की धारियां मिलती हैं। परंतु यदि विभाजन में केवल एक ही झिरी हो तो ये और अधिक विचित्र बात लगती है कि किसी भी प्रकार की कोई धारी पीछे पर्दे पर नहीं प्राप्त होती, बस पर्दे पर इलेक्ट्रॉन का समान वितरण प्राप्त होता है।
तब कोई शायद ये सोच सकता है कि दूसरी झिरी खोलने से पर्दे के प्रत्येक बिंदु पर बस इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, परंतु वास्तव में व्यक्तिकरण के कारण पर्दे के कुछ स्थानों पर इनकी संख्या घट जाती है। यदि झिरियों से इलेक्ट्रॉन एक बार में एक के हिसाब से गुजारे जाते हैं तो कोई शायद ये उम्मीद करेगा कि हर इलेक्ट्रॉन पहली या दूसरी झिरी से गुजरता है और इस प्रकार ऐसा व्यवहार करेगा मानो इनके गुजरने के लिए बस एक ही झिरी हो और इस प्रकार पर्दे पर इलेक्ट्रॉनों का समान वितरण प्रदर्शित करेगा। हालांकि वास्तविकता में जब भी इलेक्ट्रॉन एक बार में एक के हिसाब से गुजारे जाते हैं तो पर्दे पर फ्रिंज तब भी प्रकट होती है, इसलिए हर इलेक्ट्रॉन दोनों झिरियों से निश्चित रूप से एक साथ गुजर रहा होगा। कणों के मध्य व्यतिकरण की अद्भुत घटना परमाणु की संरचना की हमारी समझ के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण रही है। ये परमाणु समस्त जैविकी तथा रसायनों की मूल इकाइयाँ हैं। यही वह निर्माण सामग्री है जिनसे हम तथा हमारे चारों ओर के प्रत्येक वस्तु बनी है। इस शताब्दी के प्रारंभ में ये सोचा जाता था कि परमाणु सूर्य की परिक्रमा करते हुए ग्रहों के समान है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घनात्मक आवेश वाले केंद्रीय नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये माना जाता था कि घनात्मक एवं ऋणात्मक विद्युत आवेश के मध्य आकर्षण उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को अपनी कक्षाओं में रखता है जिस प्रकार सूर्य एवं ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ग्रहों को उनकी कक्षाओं में रखता है। इसके साथ परेशानी ये थी कि क्वांटम यांत्रिकी से पहले यांत्रिकी एवं विद्युत के नियमों द्वारा यह पूर्वानुमान हाथ लगा था कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और ऊर्जा वास के कारण उनके वृत्तीय पथ की त्रिज्या लगातार कम होती जाएगी, इसलिए अंदर की ओर सर्पिल गति से चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएंगे। इसका अर्थ तो ये होगा कि परमाणु और वस्तुतः सारा पदार्थ बहुत तीव्र गति से ध्वस्त होकर एक अत्यंत ही उच्च घनत्व की स्थिति में हो जाना चाहिए। इस समस्या का एक आंशिक समाधान सन 1913 में डेनमार्क के एक वैज्ञानिक नील्स बोर द्वारा खोजा गया था। उन्होंने ये सुझाव रखा कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन केंद्रीय नाभिक से किन्हीं भी दूरियों पर चक्कर लगाने में समर्थ न हो, बल्कि केवल किन्हीं निश्चित तिरंजाओं वाली कक्षाओं में ही चक्कर लगाने में समर्थ हो। यदि कोई ये और मान ले कि केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन ही इन दूरियों में से किसी एक पर चक्कर लगा सकते हैं तो ये परमाणु के ध्वस्त होकर संघनित होने की समस्या का समाधान कर देंगे, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन लघुतम दूरियों एवं ऊर्जाओं वाली कक्षाओं में पहुंचकर और अधिक पास की कक्षाओं में सर्पिल गति से नहीं गिर पाएंगे। इस मॉडल ने सबसे साधारण परमाणु हाइड्रोजन, जिसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, की संरचना की बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या की, परंतु ये स्पष्ट नहीं है कि अपेक्षाकृत अधिक जटिल परमाणुओं की संरचना को स्पष्ट करने के लिए इस व्याख्या को आगे और कैसे बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त अनुमत कक्षाओं की सीमित संख्या का विचार बड़ा मनमनासा प्रतीत होता था। क्वांटम यांत्रिकी के नए सिद्धांत ने इस कठिनाई को दूर कर दिया। इसने ये स्पष्ट कर दिया कि नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को एक ऐसी तरंग के रूप में समझा जा सकता है जिसका तरंग दैर्घ्य उसके वेग पर आश्रित होता है। कुल निश्चित कक्षाओं के मामले में कक्षा की लंबाई इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्यों की कुल संख्या के समतुल्य होगी। इन कक्षाओं के लिए तरंग शीर्ष हर बार चक्कर लगाते हुए एक ही स्थिति में होगा, इसलिए तरंगें जुड़ती जाएंगी। ये कक्षा पथबोर की अनुमत कक्षाओं के अनुरूप होंगे। बहरहाल उन कक्षाओं के लिए जिनकी लंबाइयां तरंग दैर्घ्यों की कुल संख्या के बराबर नहीं थी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो हर तरंग शीर्ष एक द्रोणिका के द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, ये कक्षा पथ अनुमत नहीं होंगे। तरंग या कण द्वैतता को स्पष्ट रूप से देखने का सबसे अच्छा तरीका एक अमेरिकी वैज्ञानिक रिचर्ड फाइनमैन द्वारा तथा कथित इतिवृत्तों का योगफल है। वस्तु स्थिति को समझने के लिए इस दशा में आगे बढ़ने पर यह नहीं माना जाता कि कण का कोई एक अकेला इतिवृत्त है अथवा दिक्काल में एक अकेला पथ है।
जैसा कि किसी पारंपरिक गैर क्वांटम सिद्धांत में माना जाता है। इसके स्थान पर यह माना जाता है कि कण ए से बी तक हर संभव मार्ग से जाता है, हर पथ के साथ संख्याओं के जोड़े जुड़े होते हैं, एक तरंग के आकार का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा चक्कर में स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। ए से बी तक जाने की प्रायिकता सभी पथों के लिए तरंगों को जोड़कर प्राप्त कर ली जाती है। सामान्यतः यदि कोई पड़ोसी पथों के किसी समुच्चय की तुलना करता है तो चक्र में कलाएं या स्थितियां बहुत अधिक असमान होंगी। इसका अर्थ ये हुआ कि इन पथों से जुड़ी हुई तरंगे एक दूसरे को लगभग पूरी तरह निरस्त कर देंगी। हालांकि पड़ोसी पथों के कुछ समुच्चयों के लिए पथों के बीच कलाओं में अधिक परिवर्तन नहीं होगा। इन पथों के लिए तरंगे एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगी। ऐसे पथ बोर के अनुमत कक्षा पथों के अनुरूप होते हैं। इन विचारों के साथ ठोस गणितीय रूप में उन अनुमत कक्षा पथों का परिगणन करना अपेक्षाकृत सही होगा जो अधिक जटिल परमाणुओं में होते हैं तथा उन अणुओं में भी होते हैं जो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा जिन्हें उन इलेक्ट्रॉनों द्वारा कक्षाओं के मध्य संगठित करके रखा जाता है जो एक से अधिक नाभिकों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। चूंकि अणुओं की संरचना तथा उनकी एक दूसरे से अभिक्रियाएं समस्त रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान के मूल में निहित हैं, इसलिए क्वांटम यांत्रिकी अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा नियत सीमाओं के अंतर्गत लगभग हर चीज की जो हम अपने चारों ओर देखते हैं सिद्धांत रूप में पूर्वानुमान लगाने की अनुमति देती हैं। आइंस्टाइन का अपेक्षिता का सामान्य सिद्धांत ब्रह्मांड की विशाल स्तर की संरचना को नियंत्रित करता हुआ प्रतीत होता है। ये एक चिरसम्मत सिद्धांत कहलाता है, अर्थात ये क्वांटम यांत्रिकी के अनिश्चितता के सिद्धांत को महत्व नहीं देता, जैसा कि इसे दूसरे सिद्धांतों के साथ सामंजस्य के लिए करना चाहिए। इसका किसी विसंगति की ओर न ले जाने का कारण ये है कि वे सारे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो हम सामान्यतः अनुभव करते हैं बहुत कमजोर होते हैं। फिर भी पहले परिचर्चित विलक्षणता प्रमेय ये संकेत करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कृष्ण विवर एवं महाविस्फोट जैसी कम से कम दो स्थितियों में अत्यधिक दृढ़ होना चाहिए। ऐसे सुदृढ़ गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में क्वांटम यांत्रिकी के प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होने चाहिए। इस प्रकार एक अर्थ में अनंत घनत्व के बिंदुओं का पूर्वानुमान लगाकर चिरसम्मत सामान्य अपेक्षिता सिद्धांत अपने ही पतन का पूर्वानुमान प्रस्तुत कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे कि चिरसम्मत यांत्रिकी ने अपने पतन की भविष्यवाणी ये सुझाव रखकर की कि परमाणु ध्वस्त होकर असीमित घनत्व को प्राप्त हो जाना चाहिए। हमारे पास अभी तक ऐसा कोई पूर्णतः संगत सिद्धांत नहीं है जो सामान्य अपेक्षिता सिद्धांत एवं क्वांटम यांत्रिकी को एकीकृत कर दे, परंतु जो बहुत से अभिलक्षण इसमें होने चाहिए उन्हें हम जानते हैं। कृष्ण विवरों एवं महाविस्फोट के लिए इनके जो निष्कर्ष होंगे उनका वर्णन बाद के अध्यायों में किया जाएगा। इस क्षण तो बहरहाल हमारी दिलचस्पी हाल ही के उन प्रयत्नों में हैं जो प्रकृति के दूसरे बलों की हमारी समझ को एक अकेले एकीकृत क्वांटम सिद्धांत के साथ लाने के लिए किए गए थे।